हरदोई के भगोली थाना इलाके में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी ना होने से नाराज परिजन AIMIM के पदाधिकारियों के साथ SP से मिले और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। इस मामले में SP अमित कुमार कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया, जबकि परिजन उन्नाव जैसी घटना से डरे सहमे हैं। ऐसे में पुलिस का लाचार रवैया परिजनों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। SP के पास पहुंचे परिजनों व पदाधिकारियों ने बताया कि थाना भगोली क्षेत्र के गांव निवासी एक नाबालिग शौच के लिए गई थी। आरोप है कि वहीं पर गांव के रामपाल यादव नामक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। घर नाबालिग ने परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद भगोली थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि अब तक इस मामले में सभी बयान आदि भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं गिरफ्तारी न होने से आरोपी युवक खुलेआम गाँव में घूमकर पीड़िता व परिजनों को धमका रहा है। इस पूरे मामले पर पदाधिकारियों व परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। मेरे गांव से आए भगोली थाना जिला हरदोई। मैं कक्षा 7 तक पढ़ी हूँ। घटना 9:18 सुबह 8 बजे की थी। मैं खेत पर भैंस बांधने गई थी और अपनी मक्का देखने गई थी। रामपाल आया, जबरन ना मुझे खींच ले गया, जबरन गलत काम किया, सिलवार तोड़ दिया था। मैं चिल्लाई पर कोई नहीं आया। मेरे साथ रामपाल गलत काम कर चुका था। तब तक निर्मला भाभी आई। निर्मला भाभी ने डंडी भी मारी रामपाल के मुख पर, वह भाग गया। चोट मुझे नहीं आई, कपड़े मेरे नहीं फटे, पेशाब की जगह से खून निकला, कपड़े मेरे गंदे हो गए थे। अच्छा, थाने गई थी, क्या बताया? थाने गई थी, कोई मेरी कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। मामला जो है 2018 का है। पीड़ित लड़की का जो है एक रेप हुआ था यादव जी हैं उनके द्वारा, लेकिन जो है 2018 से अब तक जो है लगभग 15 महीने हो जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करी है और उसको गिरफ्तार कराने की मांग को लेकर हम लोगों ने ADM और SP साहब को जो है एप्लीकेशन दी है कि जो है उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया जाए ताकि जो है पीड़ित महिलाओं को इंसाफ मिल सके। और आप लगातार देख रहे हैं उन्नाव में जो घटना हुई कि जो है उन लोगों ने जो है लड़की को जिंदा जला दिया गया, ऐसी घटना हरदोई में अपने हरदोई ज़िले में ना हो जाए, इसलिए जो हम लोग बहुत चिंतित हैं और इसके ऊपर कार्रवाई के लिए मांग के लिए हम लोग यहाँ पे सब लोग आए हैं। क्या नाम? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।